आज का वीडियो हमेशा की तरह खास है। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं, बृहस्पतिवार को यदि सिर धोना पड़े या ऐसे काम करने पड़े जो बृहस्पतिवार के दिन वर्जित है, तो क्या बोलकर आप ये काम करें जिससे कि आपको दोष ना लगे और कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आए। मैं हूँ आपकी अपनी उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, बृहस्पतिवार को कई बार सिर धोना पड़ जाता है। किसी का जन्मदिन होता है या कोई शुभ मौका होता है या किसी कार्यक्रम में जाना हो जाता है, किसी फंक्शन में पार्टी में जाना होता है, और ऐसे में सिर धोना ज़रूरी हो जाता है। कई बार पीरियड्स से फ्री होते हैं, तीसरा चौथा या पाँचवा दिन होता है तो धोना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में क्या करें? देखिए, एक तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बृहस्पतिवार को जब भी आप सिर धोते हैं तो वो लगातार 5 बृहस्पतिवार नहीं होना चाहिए। अर्जेंसी में एक या दो बार आपने धो लिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले भी यदि आप एक शब्द बोल देते हैं, आप हाथ जोड़कर केले के पेड़ के सामने ये बोल दें कि हे वृक्षराज, मैं अति आवश्यकता में अपने केश धो रही हूँ या धो रहा हूँ, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। इसी तरह से पुरुष भी यदि शेव वगैरह बनानी पड़े या नेल्स काटने पड़े कि बच्चों के स्कूल में उनको दिखाना है और नेल्स काटने ज़रूरी है, तो ये काम अर्जेंसी में किए जा सकते हैं। बस कंटिन्यूशन में 5 बार नहीं होना चाहिए। फर्श की धुलाई भी आप कर सकते हैं अर्जेंसी में, लेकिन वो भी कंटिन्यूशन में 5 बार नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्रम टूट जाता है, एक दो बार आपने कर लिया, फिर 5-6 महीने नहीं किया, फिर कभी अर्जेंसी में ज़रूरत पड़ी और आपने कर लिया, तो किसी तरह का दोष नहीं पनपता है। बृहस्पति देव का स्मरण करके क्षमा याचना करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा पानी संबंधी जो भी काम है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए सूखी, तो दोष समाप्त प्राय ही हो जाता है, क्योंकि हल्दी का स्नान करने से या पोचे के पानी में भी हल्दी डालने से किसी प्रकार का फिर दोष नहीं लगता है, बल्कि बृहस्पति उस दिन अच्छा हो जाता है। इसलिए टेंशन ना लेवें, बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि लगातार 5 बृहस्पतिवार को ये काम नहीं करना है, ना सिर धोना है, नाखून नहीं काटने, शेव नहीं बनानी। लगातार 5 बृहस्पतिवार को ये काम नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो गया है तो कोई दोष नहीं है, और वैसे भी अर्जेंसी में जब धोना अनिवार्य ही है तो धोना ही पड़ेगा, नहीं धोगे तो फिर अपशकुन होगा। इसलिए अर्जेंसी में केश धो भी लेने चाहिए। अगर कहीं फर्श की धुलाई भी करनी है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी को कोई हेल्थ इशू है और वहाँ पर फिनाइल का पोचा लगाना ज़रूरी है, तो गुरुवार को भी नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन क्षमा याचना करने और बृहस्पतिवार को ये अगर आपको करना है तो 12 बजे के बाद करें।